हेलो नमस्कार, खुश रहो बच्चों। आई एम जेबीएन डॉक्टर शाहनवाज आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ क्लॉथ इन जेपी डोमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मेटेलिक मनी। अंडर द मेटेलिक स्टैंडर्ड द मॉनेटरी यूनिट इज डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ सम मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एटीसी। स्टैंडर्ड कॉइन आर मेड आउट ऑफ द मेटल्स। स्टैंडर्ड coins are full-bodied legal tender and their value is equal to face value. The important thing to note that to be one a metallic standard of a country must keep in monetary unit at a constant value in terms of the selected metal and various types of monetary contributable selected metal account value. मेटेलिक मनी क्या है? इसमें मेटल जो करेंसी के जो प्रिंटेड होते थे उसमें मेटल के यूज होते थे, जिसमें गोल्ड सिल्वर एंड अदर मेटल यूज किए जाते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था, फेस वैल्यू और रियल वैल्यू आपस में बराबर होते थे, इसीलिए फ्यूचर के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी होती थी। ठीक है, अब है मेटेलिक मनी को हम दो पार्टों में जनरली डिवाइड करते हैं, मोनोमेटेलिक एंड बायोमेटेलिज्म। मोनोमेटेलिक रेफर्स टू द मॉनेटरी सिस्टम इन विच the monetary unit is made up or convertible to only one metals. Under monometallic standard, only one metal is used as standard money whose market value is fixed in terms of given quantity and quality of metals. ठीक है, monometallic क्या था? मोनोमेटेलिक में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जिससे फ्यूचर में उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो और लोगों के, और ये क्या है कि जनरली एक्सेप्टेबिलिटी इसका बना रहे, इसके लिए इसका फेस वैल्यू रियल वैल्यू मेंटेन करने के लिए एक ही मेटल का यूज किया गया। ठीक है, फीचर ऑफ मेटेलिक्स, एक जो पैसे बनेंगे इसमें दूसरा मेटल मिक्स नहीं किया जाता था। ठीक है, गोल्ड है तो गोल्ड है और सिल्वर है तो सिल्वर है। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ मोनोमेटेलिक स्टैंडर्ड कॉइन आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन मेटल्स। क्या है पहला फीचर्स है कि एक मेटल का बना होता था। दूसरा क्या है, दीज कॉइन आर एक्सेप्टेड एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। ये क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर के रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाता था। ठीक है, इसको कोई मना नहीं कर सकता था। देयर इज फ्री क्वाइनेज, मैन्युफैक्चर ऑफ क्वाइन ऑफ मेटल्स, ये फ्री क्वाइनेज था। ठीक है, क्योंकि उसको ढालने के बाद जो वैल्यू होते थे, नहीं ढाला जाए तो उतना ही वैल्यू होता था उसका। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मेटल टू बी यूज्ड एज मनी। ठीक है, मनी के लिए जो मेटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे उसमें किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, वो फ्रीली ट्रेड होते थे कंट्री से दूसरे कंट्री में। अच्छा, ये मोनोमेटेलिक में कह रहा है कि पेपर मनी आल्सो सर्कुलेट बट इट इज कन्वर्टेबल इनटू स्टैंडर्ड ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। ठीक है, मगर पेपर करेंसी तो यूज होगा, मगर उसका वैल्यू क्या होता था, किसी मेटल के बराबर उसको रखा जाता था। यानी उतनी जितनी नोट प्रिंट होते थे उतनी वैल्यू के मेटल रिजर्व में रखे जाते थे। ठीक है, अब ये क्या है, टाइप ऑफ मोनोमेटेलिक
ये दो तरह के होते हैं, सिल्वर स्टैंडर्ड एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। सिल्वर स्टैंडर्ड में जो मनी प्रिंट होते थे उसमें सिल्वर यूज होता था, और गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड यूज होता था। और आपको पता है कि मोनोमेटेलिक में एक ही मेटल का यानी सिल्वर यूज हो रहा है तो सिल्वर ही होगा, और गोल्ड यूज हो रहा है तो गोल्ड ही यूज होगा। अच्छा, अंडर द सिल्वर स्टैंडर्ड द मोनेट्री यूनिट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिल्वर द स्टैंडर्ड क्वाइन आर मेड ऑफ सिल्वर एंड आर ऑफ फिक्स वेट एंड फिटनेस इन टर्म्स ऑफ सिल्वर दे आर अनलिमिटेड टेंडर्स। ठीक है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑन सिल्वर्स। दिस सिल्वर स्टैंडर्ड रिमेन्ड द फोर्स इन मेनी कंट्री फॉर ए लॉन्ग पीरियड्स। इंडिया रिमेन्ड ऑन सिल्वर स्टैंडर्ड 1835 टू 1893। ड्यूरिंग दिस पीरियड रूपी वाज स्टैंडर्ड क्वाइन एंड इट्स वेट वाज फिक्स 180 ग्राम ग्रेन एंड फिटनेस 11 और 12। द क्वाइनेज ऑफ रूपीज वाज फ्री एंड पीपल कैन गेट देयर सिल्वर कन्वर्टेड इन टू क्वाइन एट द मिंट। सिमिलरली सिल्वर क्वाइन कुड बी मेल्टेड इन टू बुलियन। सिल्वर स्टैंडर्ड लैक्स यूनिवर्सल रिकॉग्निशन एंड कंपेयर टू गोल्ड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसका लेकिना था, गोल्ड स्टैंडर्ड की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा थी, गोल्ड के पैसे की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा थी और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी कम थी। ए लिक्विड थोड़ा कम था गोल्ड से। देयर इज ग्रेटर इनस्टेबिलिटी ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी अंडर सिल्वर स्टैंडर्ड बिकॉज सिल्वर प्राइस फ्लक्चुएट्स मोर देन द गोल्ड्स। ठीक है, इसमें सबसे कमी क्या थी सिल्वर स्टैंडर्ड में, जो अच्छा मेटेलिक मनी यूज क्यों किया गया था कि फ्यूचर फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, मगर सिल्वर स्टैंडर्ड में फ्यूचर फ्लक्चुएशन होते थे इसमें। ठीक है, एज कंपेयर टू गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड अब कहें, गोल्ड स्टैंडर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मेटेलिक स्टैंडर्ड। द मॉनेटरी यूनिट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड्स। ठीक है, इसमें गोल्ड यूज होता था मनी प्रिंट करने के लिए। द स्टैंडर्ड क्वाइन पोजेस द फिक्स वेट एंड फिटनेस ऑफ गोल्ड्स। इसका फिक्स फिक्स अमाउंट होता था और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती थी, और फ्यूचर में ये फ्लक्चुएशंस नहीं होते थे। द गोल्ड स्टैंडर्ड रिमेंड वाइडली एक्सेप्टेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरीज एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी। द यूके वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1860। सी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एबॉन्डन द स्टैंडर्ड इन 1931। जर्मनी एडॉप्टेड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1873, फ्रांस इन 1878 एंड यूएसए इन 90s। ग्रेजुअली गोल्ड स्टैंडर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड फाइनली इट वॉज कंप्लीटली एबॉन्डेंट बाय द वर्ल्ड बाय 1936। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम मोटेलिक स्टैंडर्ड। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड द मोनेटरी यूनिट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड्स। एंड सेकेंड इज बायमेटेलिक्स, इसको बुलियन स्टैंडर्ड। बायमेटेलिक जिसमें दो यूज, बाय मीन्स दो, इसमें दो मेटल यूज करके पैसे बनाए जाते थे। बायमेटेलिज्म इज मॉनेटरी सिस्टम विच अटेम्प्ट टू बेस इन करेंसी इन टू मेटल्स। दो मेटल मिलके एक
करेंसी बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू चैंडलर, ए बायमेटेलिक और डबल स्टैंडर्ड इज वन इन विच द मॉनेटरी यूनिट इन ऑल टाइप्स ऑफ ए नेशन मनी आर केप्ट एट कॉन्स्टेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सिल्वर। गोल्ड सिल्वर मिक्स कर दिया, या सिल्वर में कुछ और दूसरा मेटल मिक्स कर दिया, या गोल्ड में दूसरा मेटल में, यानी दो मेटल यूज किए जाते थे मनी प्रिंट करने के लिए। अंडर बायोमेटेलिज्म टू मेटल्स स्टैंडर्ड ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स थे, फीचर्स क्या थे? ए बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन टू मेटल्स, ठीक है, ये तो बताया जा चुका। देयर इज फ्री एंड अनलिमिटेड क्वाइनेज ऑफ बोथ मेटल्स, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वाइंस आर सर्कुलेटेड एट द सेम टाइम्स, दो स्टैंडर्ड के, ठीक है, इसी के जो दो मेटल होते, दो स्टैंडर्ड के होते थे, उसकी वैल्यू 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 अलग अलग होती थी। बोथ बोथ द क्वाइन आज फुल बॉडीड क्वाइन, इन अदर वर्ड्स द फेस वैल्यू एंड रियल वैल्यू बोथ क्वाइनेज आर इक्वल, मगर फेस वैल्यू रियल वैल्यू दोनों का आपस में बराबर होते थे। बोथ क्वाइन आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, दे ऑल्सो कन्वर्टेबल इन टू ईच अदर्स, ठीक है। मेटल से पैसे में और पैसे से मेटल में हम इजिली कन्वर्ट कर सकते थे। देयर इज फ्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बोथ द मेटल्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेटेलिक मनी, ठीक है। थैंक यू।